माँ का कोई रूप नहीं होता, माँ एक एहसास मात्र है। माँ कोई भी हो सकती है या हो सकता है। माँ का एहसास किसी में भी हो सकता है। माँ के कई रूप होते हैं। कोई जन्म देकर माँ बन जाती है तो कोई कर्म से माँ होती है। रांची के आंचल शिशु आश्रम में पल रहे बच्चों के लिए उनकी दीदी ही उनकी माँ है। इस आश्रम में पल रहे बच्चे अनाथ हैं, जिनका कोई भी नहीं है। कहने को तो ये एक संस्था है, लेकिन यहाँ के बच्चे का जिस तरह से माँ के रूप में उनकी दीदी ख्याल रखती है, उससे ये जरूर साबित होता है कि माँ का कोई रूप नहीं होता। यहाँ के बच्चे अपनी माँ यानी दीदी को माँ से बढ़कर प्यार करते हैं, और उनकी दीदी भी हर बच्चे का खास ख्याल रखती है। बच्चों को अपना दिनचर्या बना हुआ है और बच्चों को माँ की प्यार देते हैं। उनको बच्चों का मुस्कान लाने में जो सगुन मिलता है, वो जीवन में हम यही संकल्प लिए कि बचपन से 9th क्लास में थे उस समय से यही काम कर रहे हैं। जो बच्चे जो जिसके लिए कोई नहीं, वैसे ही बच्चों को के लिए हम मुस्कान लाएं, और इससे बढ़ के जीवन में और कुछ नहीं, यह हम संकल्प लिए और वही काम कर रहे हैं। आज मदर्स डे है, ये दिन माँ के लिए खास होता है। आंचल शिशु आश्रम के बच्चे इस खास दिन को खास तरह से मनाना चाहते हैं। लॉकडाउन के समय में वो अपनी माँ स्वरूप दीदी के लिए बहुत कुछ बना रहे हैं। साथ ही उनके दिन को खास बनाने के लिए और भी कई सारी चीजें सरप्राइज के रूप में हैं। चीची ची चिड़िया बोली, अब मत खेलो आँख में चोली, शाम हुई अब जाओ घर, माँ को लगता होगा डर। जिनको हम माँ समान मानते हैं, और उनके लिए हम कल खीर बनाएंगे हम लोग, उनको अपने हाथों से खिलाएंगे, उनको कोई भी काम नहीं करने देंगे। बाहर से जो भी आएंगे हम ही लोग देखेंगे, दीदी को आराम करने देंगे। कहते हैं माँ एक बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, जो बच्चे को सही गलत का पाठ पढ़ाती है। बिना माँ पिता के इन बच्चों का सारा संसार उनकी दीदी में ही बसता है। उनका सपना है कि वो जब भी सक्षम होंगे अपनी माँ के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रांची से कैमरामैन राजेश के साथ उमेश लाल की रिपोर्ट।